सर, जिस तरीके से इन दिनों आप देख रहे हैं जेडीयू के भीतर चल रहा है, आप सीपी सिंह केंद्र मंत्री बने हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मतलब धोखा हुआ है नीतीश कुमार के साथ? हमको लगता है कि थोड़ा सा और नीतीश जी चाहते थे कि संतुलित हो, जिसमें वो लगता है कि इनके अलावा एक कुशवाहा, एक अति पिछड़ी जाति से भी ये मंत्री हो, तो अगर कुशवाहा अति पिछड़ी जाति से ही मंत्री होता तो थोड़ा संतुलित होता, तो लेकिन उस तरह से हो नहीं पाया। हमको लगता है कि थोड़ा हड़बड़ा गए आरसीपी सिंह थोड़ा ये करके, नीतीश कुमार का मन मुताबिक नहीं हुआ कहीं। हाँ कहीं, अब ये अब पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको जो सोच लगता है थोड़ा हड़बड़ा गए आरसीपी सिंह, और जल्दी सा अपने कहीं पिछले बार जैसा न हो जाए, इसलिए अपने वो शपथ लेने के लिए वो थोड़ा बेचैन हो गए और जा अपना जाके उसको और जो बातचीत करनी चाहिए थी और लोगों को इंक्लूजन के लिए, वो लगता है कि ठीक ढंग से प्लेस नहीं कर पाए और अपने ओथ ले लिए जाकर। लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी हो गई आर सी पी सिंह से या नीतीश कुमार से, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कमी दिखी? वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन की कमी भी हो सकता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमको लगता है जो पॉलिटिकल ये से आए, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जो जिसका शुरुआत हो पॉलिटिक्स से, कार्यकर्ता के रूप में जो पॉलिटिक्स में आए और आगे बढ़े, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। खबर यह है कि 31 जुलाई को जो बैठक होनी है तो उसमें ललन सिंह का नाम आ सकता है। और हम तो, मेरी तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम उस पार्टी में है नहीं, कोई ऐसे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नीतीश जी को हम बोलेंगे कि बहुत ठोक अभी थोड़ा पॉलिटिक्स का क्रूशियल पीरियड है, अभी नीतीश जी के लिए थोड़ा क्रूशियल पीरियड है पॉलिटिक्स का, थोड़ा बहुत लोग उनको कमज़ोर करना चाहते हैं, नीतीश जी को, इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और जो पार्टी का जो जातीय समीकरण है और जो यहाँ संतुलन है, उसके आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो नीतीश जी को ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए थोड़ा जो भी विचार करना होगा। हम तो, मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब इतना ही है कि नीतीश जी से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है, मेरे पिताजी, उनके पिताजी बहुत दोस्त रहे, घन रहे हैं, कुछ लोगों के चलते हम अलग हुए हैं, पार्टी दूसरी पार्टी में है, लेकिन हमेशा फिर भी लगता है कि नीतीश जी के प्रति मेरी भावना हमेशा रहती है कि वो, आपकी भावना सच्ची है, आप दोनों साथ में रहे, तो क्या लगता है कि इतना लंबे समय तक पारिवारिक इतना संबंध रहा है घरेलू, कि हम चाहते हैं कि नहीं उनका हमेशा अच्छा हो, उनको कोई धोखा नहीं दे, कोई बुरा नहीं हो। पहले कई बार धोखा खा लगता है कि धोखा तो हुआ सर, क्या धोखा हुआ ये आपको लगता तो है ना, मंत्रिमंडल विस्तार ना, धोखा हुआ या फिर कैसे हुआ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा असंतुलित हुआ है, असंतुलित हुआ है।